गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड, मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ गोभी के पराठे, और सब्जी बन रहा है आलू गोभी मटर छिम्मी का। तो जल्दी से मैं बना रही हूँ, कुकर में सब्जी चढ़ा दी हूँ, और इधर अपना जल्दी से बना दे रही हूँ पराठे, और ये लंच बॉक्स में पैक करना है। और ये देखिए सब्जी, और ये देखिए पराठे डाल करके दे रही हूँ। और सुबह सुबह जल्दी जल्दी बनाने लगती हूँ, हड़बड़ाहट रहता है, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बनाई इतना। और जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरे साथ एक बहुत भारी प्रॉब्लम चल रहा है, और जिस चीज़ का जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, उसी चीज़ का अगर आपके जीवन में कमी हो जाए तो आपको कैसा महसूस होता है। जिस चीज़ के बिना किसी का भी जीवन नहीं चल सकता है, और वही चीज़ आपके जीवन में नहीं हो तो बहुत ही दिक्कत होता है। तो अभी मैं किचन को साफ़ कर दे रही हूँ, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं लग गई हूँ किचन की साफ़ सफाई करने में, और ये डेली का काम है। बस ये गैस वगैरह सब मैं ऊपर से पानी डाल करके धो दी हूँ, और उसके बाद एक सूखा कपड़ा से सभी को पोंछ दे रही हूँ, और यहाँ पोंछ करके उसके बाद नीचे फर्श की सफाई करूँगी। और बहुत ही डस्ट आता है यहाँ पर, काला काला हो जाता है अगर ज़्यादा पानी डाल डाल करके नहीं धोया जाए तो काला हो जाता है। तो यहाँ मैं सर्फ़ डाल करके धो रही हूँ, और आज है मंडे, तो मंडे को सर्फ़ डाल करके धोती हूँ, या संडे को भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से बीच बीच में थोड़ा सा सर्फ़ डाल करके और अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, और फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो किचन बहुत ही अच्छा मतलब साफ़ हो जाता है। और यहाँ देखिए बाहर में भी बहुत सारा बर्तन निकाल करके रखी हूँ, और इसके बाद यहाँ बरंडा में भी मैं धो दे रही हूँ, और पानी इधर गिलन में रखी हूँ, वहाँ से निकाल निकाल करके धो रही हूँ। और उसके बाद बर्तन बहुत सारा है तो इसे धो रही हूँ, और ये सारा सुबह से नाश्ता चाय और जितना भी बर्तन है सभी निकाल करके रखी, और सभी को धोने में बहुत ही टाइम लग जाता है, तो इसी तरह मेरा लेट हो जाता है। तो देखिए इतना सारा बर्तन धोई हूँ, और इसे मैं अब सरियाऊँगी, और यहाँ देखिए कपड़ा धो रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरे जीवन में क्या कमी चल रहा है। तो क्या है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से यहाँ पानी का बहुत ही दिक्कत है, कभी पानी चलता है कभी नहीं चलता है। पहले तो पानी हम लोग ख़रीद के लाते थे टैंकर से, लेकिन अभी लगाई हूँ नगर निगम का पानी, तो भी है कि कभी कभी चलाता है और कभी बीच बीच में 10-10 दिन तक का गैप कर देता है। तो बताइए जिस घर में पानी ना हो उस घर में कैसा महसूस होगा, हमेशा पानी खरीद करके लाइए तो कितना मतलब पानी रहता है। तो अच्छा से साफ़ सुथरा सब करके जल्दी जल्दी फटाफट काम हो जाता है, और पानी है जो सुबह सुबह ही आना चाहिए घर में, लेकिन यहाँ पर है कि कभी पानी रहता है कभी नहीं रहता है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस होता है। और उसके बाद सार सफाई करने के बाद और नहा करके मैं पूजा कर ली, और पानी आज बहुत दिनों बाद चला था इसलिए बहुत सारा काम हो गया था, तो थोड़ा बहुत लेट हो गया, और उसके बाद देखिए पूजा करने में भी थोड़ा समय लगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड, मेरा पूजा पाठ हो गया है, और मैं नहा करके डायरेक्ट आ करके पूजा सबसे पहले की हूँ, और कान्हा जी के भोग के लिए मतलब बना रही हूँ पोहा। और अभी देखिए मैं अपना न बाल झाड़ी हूँ अच्छा से, और यहाँ मैं पोहा बना करके कान्हा जी को जा रही हूँ भोग लगाने के लिए, और ये भी झटपट से बन जाता है, बादाम रहता है और थोड़ा सा टमाटर डाल करके भूज देती हूँ, बस जल्दी से बन जाता है। और यहाँ देखिए मैं तुलसी पत्ता ला करके यहाँ पर रख देती हूँ पानी में, तो बार बार तोड़ना नहीं पड़ता है, वहीं से लेकर के भोग में डाल देती हूँ। और यहाँ लंच में बन रहा है चावल, और एक तरफ मैं डाल चढ़ा दी हूँ ये दाल, और टमाटर रखी हूँ कट करके, जा रही हूँ उसका चटनी बनाने के लिए, और अभी आटा भी लगाना है और रोटी बनाना है। और तब मैं इधर आ गई, अपना थोड़ा सा साड़ी उड़ी सेट कर ले रही हूँ, बाल झाड़ ले रही हूँ, और ऐसे वीडियो नहीं बनाना रहता है तो बस इसी तरह से मैं अपना काम करती हूँ।
और बाल शाम को ही झाड़ती हूँ, लेकिन जब वीडियो में आना रहता है तो मैं अपना बाल वगैरह झाड़ लेती हूँ, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं तो लगता है। लंच में बन रहा है, अभी चटनी बनेगा, चावल बन चुका है, दाल चढ़ाई हूँ, उसमें आलू भी डाल दी हूँ और आलू का चोखा बन जाएगा। और मैं जा रही हूँ अपना नाश्ता कर लूँ थोड़ा सा निकाल करके, और इधर तब तक बन रहा है दाल और यही सब सुबह से लेकर के लंच। यहाँ लंच की तैयारी हो गई है, चोखा बना दी, दाल भी छोक दी, और अब इधर मैं रोटी जल्दी से बना दे रही हूँ और इनको जा रही हूँ देने के लिए खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए जल्दी से गर्मा गर्म रोटियाँ सिका रहा है, और यहाँ देखिए इनका मैं निकाल दी खाना, और ये देखिए चटनी, दाल, चोखा, सुबह का सब्जी, रोटी, और ये सब मैं दे। और मेरा लंच बन चुका है और यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।